पूरे देश के साथ साथ बागडोगरा में भी बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बागडोगरा दारा गांव के बुद्ध मंदिर से एक रंगारंग शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा अपर बागडोगरा के पानीघाटा मोड़ से लग्न बुद्ध मंदिर होते हुए बागडोगरा के विभिन्न इलाकों की परिक्रमा की। बताया गया है कि 1973 में बागडोगरा दारा गांव में बुद्ध मंदिर के निर्माण करने के बाद मंदिर कमेटी आज 50वीं वर्षगांठ मना रही है। इस शोभा यात्रा में बौद्ध धर्म के लोग शामिल हुए। पालकी में गौतम बुद्ध की मूर्ति को सजाकर परिक्रमा की गई। बुद्ध मंदिर समिति के अध्यक्ष आकाश लामा ने सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सर्वप्रथम आज 2567वां भगवान बुद्ध के जो आज के दिन आपको ज्ञात है, आज के दिन भगवान ने जन्म लिए थे, आज ही के दिन ने भगवान ने बुद्धत्व प्राप्त किए थे और आज ही के दिन उनका महानिर्वाण हुए थे। तो आज ये बुद्ध जयंती के बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों विशेष करके बागडोगरा इस क्षेत्र के दार्जिलिंग खरसंग कालिम्पोंग सिलीगुड़ी इस क्षेत्र के द्वार्स लगायत सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग ये बागडोगरा बुद्ध कल्याण समिति की तरफ से जब बुद्ध हमारी जो गुम्बा बनी थी 1973 में ये 50वां एक हम लोग का स्थापना दिवस है और आज हम लोग गोल्डन जुबली भी मना रहे हैं। तो इसी के लिए भी आपका जो सहयोग आपका जो आशीर्वाद के कारण बागडोगरा गुम्बा में इस प्रकार से हम लोग आज रैली आयोजन कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष के साथ में इस वर्ष का महत्वपूर्ण क्या है कि हमारे जो पुराना गुम्बा थे उसको हम लोग ऊपर में हम लोग भगवान को शिफ्ट किए हैं और 3 तारीख के दिन में वहाँ पर महापूजा हुए थे और आज के दिन एक आयु का पूजा का हम लोग ये आयोजन किए हैं। सभी को भगवान बुद्ध के जो उपदेश है जो प्रिंसिपल है जो डॉक्ट्राइन है शांति की करुणा की मैत्री की मुदिता की ये सभी फैली रहे और इस क्षेत्र में भगवान बुद्ध का आशीर्वाद बनी रहे। जिस प्रकार से हम सभी जातियाँ हम लोग मिल के बैठे हुए हैं और सभी धर्म हम मिल के बैठे हैं, यही आज भगवान बुद्ध हम लोग को सबको घर में अपने सब प्रत्येक परिवार को सुखमय बनाए शांति बनाए